दोस्तों, आज के समय में बहुत सारे ऐसे लोन एप्लीकेशंस थे जो पिछले दिनों काफ़ी अच्छे से जो है काम कर रहे थे, और इन दिनों लॉकडाउन के दौरान वो अपने एग्जिस्टिंग यूजर्स को भी लोन सर्व नहीं कर रहे हैं। ऐसे में बहुत सारे लोन प्रोवाइडर ऐसे भी हैं जिसके बारे में अगर आपको पता होगा तो आप इंस्टेंट लोन आसानी से ले सकते हैं। तो आज की इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए एंड तक देखिए, अगर आपको इंस्टेंट घर बैठे इस लॉकडाउन के दौरान लोन की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ एक ऐसे लोन सर्विस के बारे में जहाँ से आप 59 मिनट्स के अंदर में घर बैठे इंस्टेंट लोन ले सकते हैं। सो मैं नवीन आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल माइंड सर बुक में, जहाँ पे आप फिनांस से रिलेटेड वीडियो जो है हमेशा देखते हैं बिना किसी गलत इन्फॉर्मेशन के। एकदम सटीक इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे ज़रूर जो है हमेशा देखने के लिए मिलेगी। तो आज की इस वीडियो में जैसा कि मैंने आपको बताया, एक नए सर्विस के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ जो आपको इंस्टेंट लोन सर्व करेगी। वैसे पिछले दिनों मैंने एक वीडियो जो है अपडेट करी थी जहाँ पे मैंने एक नए लोन एप्लीकेशंस के बारे में जो है बताया था। अगर आप वहाँ पे लोन अप्लाई करने चाहते हैं तो आपको आई बटन में उसका लिंक मिल जाएगा, या फिर अगर आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन में मैं उस वीडियो का भी लिंक दे रहा हूँ जिसके ज़रिए आप घर बैठे इंस्टेंट लोन ले सकते हैं। क्योंकि वहाँ पे उस एप्लीकेशन के ज़रिए बहुत सारे यूजर को सिर्फ आधार और पैन कार्ड के ऊपर घर बैठे जो है लोन इस लॉकडाउन के दौरान आसानी से मिल चुका है। तो अब आगे वीडियो में बढ़ते हैं, और जैसा कि मैंने आपको बताया यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ एक नई लोन सर्विस के बारे में। तो दोस्तों, यहाँ पे जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख पाएंगे, आप मैं बात कर रहा हूँ आज के इस वीडियो में पंजाब नेशनल बैंक लोन के बारे में, जो आपको इस लॉकडाउन के दौरान मिल जाएगा। बिना किसी ब्रांच में विजिट किए हुए आप घर बैठे यहाँ पे लोन अप्लाई कर सकेंगे। हाल ही में कुछ दिनों पहले इन्होंने जो है ट्वीट करा था, जैसा कि ट्वीट स्क्रीनशॉट आपके सामने में है, जहाँ पे इन्होंने एक यूआरएल शेयर किया था कि उस यूआरएल के ज़रिए आप इस लॉकडाउन में भी घर बैठे आसानी से लोन ले पाएंगे। वैसे तो बहुत सारे बैंक्स अपना जो है सर्विस इस लॉकडाउन के दौरान दे रहे हैं, लेकिन वहाँ पे कुछ एक ज़रूरी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होगी। जैसे कि SBI के अंदर में आप लोन अप्लाई कर सकते हैं, इस लॉकडाउन के दौरान लोन ले सकते हैं, उसके बारे में भी ऑलरेडी आपको इस चैनल के ऊपर मैंने वीडियो दी हुई है। साथ में बैंक ऑफ बड़ौदा से भी आप लोन आसानी से ले सकते हैं इस लॉकडाउन के दौरान, लेकिन आज हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं PNB से कैसे आप जो है लोन लेंगे। तो इसके लिए मैं आपको एक URL शेयर करूंगा, लेकिन उससे पहले अप्लाई करने से पहले सबसे पहले दो तीन चीज़ें आप ध्यान में रखिएगा। सबसे पहले आपका सिविल स्कोर परफेक्ट होना चाहिए, 700+ सिविल स्कोर होना चाहिए, और अगर आपने पिछला कोई EMI मिस कर दिया है तो आपको लोन यहाँ पर नहीं मिलेगा। दूसरी चीज़, आपके पास एक सेविंग अकाउंट होना चाहिए जिसमें आपका लेन देन अच्छा होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आपको उसका इन्फॉर्मेशन भी फीड करना होगा। इसके अलावा यहाँ पे आपको 59 मिनट्स में जो है लोन मिल जाता है, लेकिन यहाँ पे एलिजिबिलिटी यानी कि लोन अमाउंट आपको नहीं बताया गया है, ये आपके ट्रांजेक्शन और सिविल स्कोर को देखते हुए आपको लोन अमाउंट बताया जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, और जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे आपको दूसरा स्क्रीनशॉट में, ये हाल ही में एक आर्टिकल में मैंने जो है पढ़ा जो कि आपको स्क्रीनशॉट के माध्यम से दिखाई दे रहा है, आप 1 घंटे के भीतर आसानी से PNB से लोन आसानी से ले सकते हैं घर बैठे। अब यहाँ पे जैसा कि देख पा रहे हैं आपको लोन लेने के लिए जैसा कि URL ये दिखाई दे रहा है, लेकिन इस URL पे जो है आपको नहीं टैप करना है। आपको जो URL मैं बताने वाला हूँ वो URL ये है, psblooninfiftynineminutes.com/PNB। बस आपको ये गूगल पे सर्च करना है और आपको एक वेबसाइट दिख जाएगा, उस वेबसाइट पे आपको इंटर करना है। अब आगे का प्रोसेस आपको मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। कुछ इस तरीके का यूज़र इंटरफेस आपको दिखाई देगा। यहाँ पे आपको इंडिविजुअल नेम डालना है, ईमेल आईडी डालना है, फ़ोन नंबर डालना है और गेट OTP पे क्लिक करना है। यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन आपको सही फीड करनी है। इंडिविजुअल नेम यानी कि आपका नेम जो कि रियल हो, जो कि आपने बाकी के डॉक्यूमेंट्स में भी वही सेम नेम सेम स्पेलिंग के साथ होना चाहिए। अब अगले स्टेप में आपको यहाँ पे अपना पासवर्ड सेट करना है। याद रखिएगा आपको अपना लेटर अल्फ़ाबेट और नंबर्स में पासवर्ड डालना है। यहाँ पे एक एग्जांपल भी दिया हुआ है, ABCD@123। तो इस तरीके से आप कोई भी पासवर्ड अपना सेट कर सकते हैं। अब आपको अगले स्टेप में यहाँ पे दो तरह के लोन्स कॉर्नर दिखाई देंगे, पहला बिजनेस लोन और दूसरा होम लोन, पर्सनल लोन और ऑटो लोन। दूसरे पे आपको क्लिक करना है। दूसरे पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपको अब ये यूज़र इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, आई एम अप्लाइंग एज इंडिविजुअल, दूसरा स्टेप में आई हैव फिल्ड माय इनकम टैक्स रिटर्न, 1, 2, 3, 4 स्लैब दिया हुआ है। इसके बाद जो तीसरा ऑप्शन है वो है आई हैव सैलरी सेविंग करेंट अकाउंट एंड लास्ट 6 मंथ स्टेटमेंट आर अवेलेबल। यानी कि अगर आपका PNB में अकाउंट है
तो आप यहाँ पे लोन अप्लाई कर सकते हैं और साथ में उसके अंदर लेन देन भी होना चाहिए। अगर आपका सेविंग अकाउंट है या फिर अगर आपका सैलरी अकाउंट भी है, आप इसका लाभ उठा सकते हैं। चौथा ऑप्शन, आई एम नॉट डिफॉल्टर इन बैंक लोन। अगर आपने पिछला कोई लोन लिया हुआ है बैंक से तो आपका ईएमआई मिस नहीं होना चाहिए, यानी कि आप डिफॉल्टर नहीं होने चाहिए, तो आपको लोन आसानी से मिल जाएगा। अब आपको अगले स्टेप में जो दिखाई देगा वो दिखाई देगा यहाँ पे अपलोड सेक्शन में। अगर आप चाहें इनकम टैक्स रिटर्न अपलोड कर सकते हैं, उसके बाद अगले स्टेप में बैंक स्टेटमेंट अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद यानी कि तीसरे स्टेप में आपको पर्सनल डिटेल फीड करना है, जैसे कि आपका पूरा डिटेल, आपका वर्क प्लेस का इन्फॉर्मेशन, और उसके बाद आपको यहाँ पे आपका लोन सेंक्शन दिखाई देगा कि आपको कितना जो है लोन मिला हुआ है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, हाल ही में कुछ दिनों पहले ये ट्वीट आया था, ट्वीट का रिप्लाई बहुत सारे यूजर्स ने दिया, बहुत सारे यूजर्स को लोन मिला भी है। इंडिया के किसी भी कोने से आप बिलोंग करते हो, चाहे आप एक सेल्फ एम्प्लॉयड हो, चाहे सैलरीड प्रोफेशनल हो, आप सभी को लोन आसानी से यहाँ पे मिल जाएगा, बशर्ते आपका सिविल स्कोर ठीक होना चाहिए, आपका लोन ईएमआई रेगुलर टाइम पे जाना चाहिए। इसके बाद आपका एक सेविंग अकाउंट बैंक के अंदर होना चाहिए। अगर आपका बैंक के अंदर सेविंग अकाउंट नहीं है तो किसी भी अकाउंट का आप बैंक स्टेटमेंट यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। सो ये था दोस्तों आप सभी के लिए एक छोटा सा अपडेट। अगर आपको इंस्टेंट लोन की रिक्वायरमेंट है तो आप फटाफट से जो है ये प्रोसीजर फॉलो करिए और इस लॉकडाउन के दौरान भी आप इंस्टेंटली लोन ले सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो से रिलेटेड किसी भी क्वेरी के लिए आप मुझे नीचे लिख सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा कि आपके उन क्वेश्चंस को आंसर जरूर करूँ। सो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलता हूँ दोस्तों फिर आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।